अनलॉक वन में जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को खोले जाने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत अलग अलग दुकानों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। लेकिन कुछ दुकानदार रोस्टर प्रणाली का उल्लंघन कर दुकानें खोल रहे हैं, जिसके तहत शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने गोलघर स्थित एक दुकान को रोस्टर का अनुपालन न करने पर सील कर दिया। इसी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए वहाँ भी व्यवस्था सुधारने की कवायद चल रही है। इसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि रोस्टर के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कलेक्ट्रेट में गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। उसके बाद कलेक्ट्रेट में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए सबसे पहले तो अनलॉक 1.0 के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा एक रोस्टर जारी किया गया है, जिसमें दुकानें किस किस दिन खुलेंगी और कौन कौन दुकानें खुलेंगी उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा समय भी निर्धारित किया गया किस समय दुकानें खुलेंगी। तो उसी रोस्टर का अनुपालन कराने हेतु हमारी टीम हर जगह लगी हुई है और दुकानदारों से यही हमारी अपेक्षा रहती है कि वो रोस्टर का पूरा पालन करें और जिस दिन जो दुकान निर्धारित है उस दिन खोलें, उसी समय में खोलें। परंतु कुछ दुकान इसका विचलन करते हुए पाए गए, उसका पालन नहीं करते पाए गए, तो इसी क्रम में गोलघर स्थित एक चश्मे की दुकान को सील किया गया, क्योंकि रोस्टर के हिसाब से अपने दुकानों को नहीं खोल रहे थे। अब सीलिंग का उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। सभी दुकानदारों से अनुरोध यह है कि वो जो रोस्टर निर्धारित हुआ उसी हिसाब से दुकानें खोलें, तो अपनी दुकानों को जो बेसिक चीज़ें जो बताई गई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बोले गए हैं, मास्क बोला गया है, सैनिटाइजर्स बोला गया, ये सब चीज़ें रखें और पर्याप्त दूरी बनाए रखें और जितनी जरूरत उतना ही स्टाफ बुलाएं और पब्लिक अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। तो इसीलिए ये पहली चीज़ तो ये इंश्योर कराना हम सभी काम है और ये पब्लिक का और दुकानदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन करें। इसके अलावा जहाँ तक कलेक्ट्रेट और भीड़ का प्रश्न है तो हाँ, इसके लिए पृथक से वार्ता चल रही है और यहाँ पर जो भीड़ आती है उसको रेगुलेट किया जाएगा और जो भी पार्किंग की व्यवस्था है और जो भी चीज़ें हैं उनको भी अलग से देखा जा रहा है कि अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना हो, क्योंकि इस समय इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लोगों की पर्याप्त दूरी बनी रहे, गाड़ियाँ भी तरतीब तरीके से खड़ी ना हो, ये भी हम लोग को इसका कंप्लायंस कराना है, अनुपालन कराना है। तो हम लोग इसके लिए भी अलग से इसकी बैठक कर रहे हैं, उसको देखेंगे।